अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, बिजली के जो सारे फैन, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 200 यूनिट वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि उन्हें रिलीफ मिल गया है। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी है। 200 यूनिट वाले जो सार्फीन हैं उन्हें अब बड़ा रिलीफ मिल गया है। 3 माह में अब वो जो है वो बिजली के बिल्स जो हैं वो अदा कर पाएंगे। हुकूमत ने मुतालबा किया था कि 400 यूनिट वाले जो सार्फ हैं उन्हें रिलीफ जो है वो दिया जाए, लेकिन 200 यूनिट वाले जो सार्फ हैं अब भी उनके लिए ये खुशखबरी है कि उन्हें रिलीफ जो है वो दे दिया गया है। और इस 200 यूनिट वाले जो सार्फीन हैं उनकी तादाद की अगर हम बात करते हैं तो 40 लाख ये सार्फ हैं जिन्हें रिलीफ मिलेगा। और 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो सार्फीन हैं बिजली के, उन्हें बड़ा रिलीफ जो है मिल गया, उनके लिए खुशखबरी है जी। आप अब 3 महीने के अंदर बिल जो है अदा कर पाएंगे। और 200 यूनिट का बिल आई थिंक होता है 9 से 10 हज़ार का बिल है। 3 किश्तों में आप अपना बिल जो है उसे अदा कर पाएंगे। हुकूमत ने जो डिमांड रखी थी, जो गवर्नमेंट ने डिमांड रखी थी, वो 400 यूनिट की थी, जो IMF ने जो है उसे मंजूर नहीं किया है। IMF ने दूसरा मुतालबा जो किया है वो ये किया है कि गैस की जो कीमत है उसमें इजाफ़ा किया जाए, और साथ साथ जो बिजली चोरी में लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसका आगाज़ किया जाए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है उसका आगाज़ भी जो है वो कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो गैस की चोरी में इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ भी अब क्रैकडाउन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और ये एक नई डिमांड जो है वो सामने आई है कि गैस की जो कीमत है उसमें इजाफ़ा किया जाए। अब इस गैस की कीमत के अगर हम हवाले से पीछे बात करेंगे, कुछ अर्सा पहले तो हुआ ये था कि ओगरा ने कीमतें जो है उसमें इजाफ़ा किया था, 50% तक जो है इजाफ़ा कर दिया गया था, लेकिन साबिक जो गवर्नमेंट थी PDM की, उन्होंने इस पर जो है वो अमल दरामद को नहीं होने दिया था और इस पे जो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो पाया था। इस पर भी बात करेंगे। और ये जो मैं आपके साथ खबर कंफर्म कर रहा हूँ, ये वजारत तवनाई के जो ज़राए हैं वो इस पे इस खबर को जो है इसकी तस्दीक कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले जो है वो आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर जो लेटेस्ट न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं उसके जो नोटिफिकेशन से वीडियो के वो आपको मौसूल होते रहे। और अब हमें फेसबुक पे भी आप फॉलो करें। तो बात शुरू करते हैं 200 यूनिट वाले सार्फीन से। 200 यूनिट वाले सार्फीन जो हैं उन्हें मुबारकबाद है जी कि उनका काम हो गया है, और जो 400 यूनिट वाले वो रह गए हैं। बहरहाल 200 यूनिट वाले जो सार्फीन हैं वो बहुत ज़्यादा थे। देखें, जो बंदा AC चलाता है, असल में 200 और 400 का डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 200 यूनिट तक जिसका बिल आता है या 200 से 250 तक आता है, वो जो बिजली का सार्फ है वो यूज़ करता है पेडिस्टल फ़ैन, उसके बाद रूम फ़ैन, और साथ वो एयर कूलर इस्तेमाल करता है, तब जाके उसका इतना बिल आता है। साथ पानी वाली मोटर है और साथ फ्रिज है, ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद उसका 250 यूनिट तक जो है, 200 से 250 यूनिट तक जो है उसके इस्तेमाल होते हैं। जो 400 यूनिट वाला है वो है AC वाला, यानी कि उसके पास एक आधा AC चलाए तो 400 यूनिट तक जो है वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं ईज़िली। मिडिल क्लास जो है वो एक आधा AC, क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है, इसमें इस्तेमाल करती है। बहरहाल जो 200 यूनिट वाले हैं उनको जो है सार्फीन को रिलीफ मिल गया है। और अब हम बात करेंगे बिजली की कीमतों के हवाले से, और साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो अब जो नया प्लान आया है वो जो कीमत के हवाले से, बिजली की जो कीमत है उस पर सबसे पहले मैं बात करूं, फिर गैस की तरफ हम बढ़ेंगे, और साथ साथ और भी जो कुछ इस हवाले से न्यूज़ हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो बात शुरू करते हैं हम यहाँ पर पाकिस्तान, ये इसमें IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल जो है वो 100 यूनिट तक के सार्फीन के लिए हुकूमत ने फ़ी यूनिट की जो अब कीमत मुकरर की है वो आपको बताते हैं कि कीमत जो है वो 7 रुपये 28 पैसे बढ़ाकर 24 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट, जबकि 101 से 200 यूनिट वाले जो सार्फीन हैं उनके लिए कीमतों में 8 रुपये से 28 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा करके 30 रुपये और 68 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो कर दिया है। ये आपके साथ खबर जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी थी, जो मैं आपके साथ जो मुझे डिटेल्स मौसूल हुई हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और इस हवाले से जो है वो बिजली सार्फीन के एक तबके के लिए रिलीफ के साथ ही बिजली चोरी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और गैस की कीमतों में इजाफे का भी ऐलान जो है वो किया जाए, ये मुतालबा है IMF का, जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया। ये खबर बड़ी अहम थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। और साथ जो है IMF ये चाहता है कि जी पाकिस्तान
गैस की कीमतों में भी इजाफा करेगी, IMF चाहता है। ओग्रा पहले ही जो है वो कर चुकी है और लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, यानी पहले कीमतों में 50% का इजाफा किया गया था लेकिन जो नोटिफिकेशन था वो ज़ेरे इल्तवा था। और इस पर अब क्योंकि साबिक जो PDM हुकूमत ने सियासी मसाहलत की वजह से जो है वो मसलहत की वजह से गैस की जो कीमतों में इजाफा नहीं किया था, जिससे गैस के सेक्टर का जो है वो हवाले से आगे फिर लंबी बहस हो जाएगी। पहले हम आपको ये जो अहम तफसील है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में वीडियो बनाए और आप तक जो असल बात है वो पहुंच जाए। ओग्रा ने इस साल जून में सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड के सार्फीन के लिए कीमतों में 50% जो है वो तक इजाफे का ऐलान किया था और सुई नादरन गैस कंपनी लिमिटेड के लिए कीमतों में 45% इजाफे की भी इजाज़त जो है वो दी थी, जिसका मुतालबा है कि अब गैस की कीमतों में जो है वो 417.23 रुपये जो है फी यूनिट इजाफे की इजाज़त जो है वो दे। ओग्रा ने इस इजाफे का नोटिफिकेशन जो है वो 45 दिन में जारी जो है वो करना था, ताहम PDM हुकूमत ने कानून के ख़िलाफ़ वर्जी जो ये मतलब जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओग्रा के हवाले से कि ओग्रा क्या कह रहा है। ओग्रा के मुताबिक जो है ये कहा गया है और इसमें इजाफा जो है वो नहीं किया गया और 3 जून को ये जारी जो है वो किया गया था। इसके साथ साथ अब बात करेंगे IMF की कि IMF क्या चाहता है। IMF ने जो है वो कहा है कि बिजली चोरी जो है ना उसको रोकें, बिजली चोरी रोकना बहुत ज़रूरी है, ये IMF का कहना है कि सबसे पहले आप अपनी जो बिजली है वो के जो चोरी है उसे रोकें। ये देखें, बिजली चोरी तो रोकना बहुत ज़रूरी है, पहले भी इस पर मुझे याद है कि एक वक्त में बड़ा ऑपरेशन किया गया था, बिजली चोरी रोकी गई थी, बड़ा अच्छा वो इकदाम था। बिजली चोरी रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मतलब क्या हो रहा है, शहरों में भी बिजली चोरी होती है, ऐसा नहीं है कि शहरों में नहीं होती, लेकिन देहाती इलाकों में अगर हम बात करें तो ज़्यादा बिजली चोरी होती है वहाँ पर। उन इलाकों में बिजली की चोरी को कैसे रोकना है ये बहुत ज़रूरी है, और शहरों में भी बिजली को चोरी को रोकना है और गैस चोरी को। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, मसला गैस का भी है कि गैस चोरी भी बहुत ज़्यादा है मोहल्लों में जो है वो गैस चोरी हो रही है। एक घर की ने गैस का मीटर लगवाया हुआ है और पूरा मोहल्ला उसे इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी गैस जो चोरी है उसमें इस हवाले से जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो अब अमल में लाई जाएंगी, क्योंकि गैस चोरों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन का जो है वो बाकायदा आगाज़ होने वाला है। बिजली चोरी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है, और देखें ये बहुत ज़रूरी है, बिजली चोरी रुकेगी, गैस चोरी रुकेगी, तभी आम आदमी को जो रिलीफ है वो मिल पाएगा। और अगर अभी चूंकि अभी ये डिमांड आई है IMF की ना, अभी डिमांड है कि मुतालबा किया गया है कि गैस की जो कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा किया जाए। अभी देखें अभी फ़िलहाल तक तो अभी इस पर अमल दरामद नहीं किया गया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किया जाता है तो ऐसे में फिर आपको गैस बहुत कम से कम इस्तेमाल करनी होगी, मतलब सर्दियों में आप लोग हीटर्स नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, और जो ख़वातीन घरों में ज़्यादा से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करती हैं वो उनको कमी करनी होगी, तो तब जाके इस तरह फिर गुजारा हो सकेगा। बहरहाल गैस से मुतलक जो ख़बर अगर हमें अभी जैसे ही हमें मौसूल होगी कि कीमतों में अगर इजाफा होता है तो सबसे पहले हम अपने ही इस चैनल में जो है वो आपको उससे आगाह करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें ताकि आने वाली हर ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सबसे पहले आपको जो है वो मौसूल होती रहे। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।